तो गाइस आज अपन आ चुके हैं इधर कुछ स्ट्रीट फूड में, तो जो कि है राम मंदिर के जस्ट अपोजिट में। तो आज आंटी हमारे को क्या खिलाने वाले हैं आप? पापड़ी चाट। ओके, तो पापड़ी चाट खिलाएंगे। ओके, तो आप दोनों साथ में मिलके काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए हमारे लिए खस्ता चाट बना दो आप, तो चलिए देखते हैं कैसा बनता है। तो ये देख सकते हैं यहाँ सबसे पहले आलू का छीला जा रहा है, तो एकदम फ्रेश फ्रेश बनाते हैं। ये आलू को छिल लिया है अभी, और ये कुछ इनके मसाले हैं। तो क्या क्या मसाले डालेंगे आंटी अभी? जीरा पाउडर। ओके। काला नमक। ओके। वाइट नमक जी और लाल मिर्च। ओके, तो सबसे पहले वाइट सॉल्ट डाला जा रहा है थोड़ा सा। और ये क्या चीज़ है? ये जीरा पाउडर। ओके, ये भी सॉल्ट डाल चुके हैं अभी। ये लाल मिर्च। ओके, ये लाल मिर्च जा रहा है अभी, और इसको अच्छी तरीके से मैश करेंगे। नहीं, दाग लग रहा है। तो भी अच्छी तरीके से मैश किया जा रहा है, देख सकते हैं। तो भी देख सकते हैं गाइस एकदम मतलब एकदम ताजे खस्ते, मतलब ये घर पे खुद बनाते हो आप? हाँ। ओके, तो भी देख सकते हैं इसको तोड़ के डाला जा रहा है इस पर। शानदार, ये भी डाल चुका है इधर खस्ता, और ये आलू के ऊपर थोड़ी थोड़ी डाली जा रही है। अच्छी तरीके से पूरा लगाया जा रहा है आलू, और इसके ऊपर कुछ डालता है क्या? हाँ, दही वही चटनी सब। ओके, तो अभी आलू डाल चुके हैं इसके ऊपर। तो ये देख सकते हैं अभी इसमें इमली चटनी डाली जा रही है ऊपर से, शानदार। ये भी इमली चटनी डाल चुकी है, ये हरी चटनी। ओके, ये हरी मिर्च की हरी चटनी है। ओके, राइट। नहीं, हरी मिर्च की और डाल रहा है। ओके, ये अभी हरी चटनी डाल चुकी है इसके ऊपर, शानदार। और अभी जा रही है थोड़ी सी ज़्यादा हरी मिर्च, जो कि ज़्यादा तीखा खाते हैं लोग उसके लिए, और ये भी डल चुकी है अभी। ओके, अब इसके ऊपर से दही डालेगी। हाँ, शानदार। और अब इसके ऊपर से दही डाली जा रही है, तो दही भी मतलब एकदम फ्रेश यूज करते हैं। हाँ, अभी शाम को ही आया है सामान। ओके, तभी दही भी डल चुकी है। ओके, ऊपर से फिर से थोड़ी थोड़ी मसाले डाले जा रहे हैं मिर्च के, और ये कौन सा नमक है? नमक काला। ओके, काला नमक है ये, जीरा पाउडर। ओके, ऊपर से फिर से जीरा पाउडर डाला जा रहा है, शानदार। और ये ऊपर से थोड़ा फिर से वाइट सॉल्ट डाला जा रहा है। तो बनकर रेडी हो चुकी है? नहीं, अभी धनिया। ओके, अब ऊपर से धनिया, भाई साहब शानदार। अभी भुजिया, भुजिया सेव इधर है। और अब ऊपर से देख सकते हैं ये भुजिया सेव डाला जा रहा है, ये भी घर पर खुद ही बनाते हैं, शानदार। गाइस देख सकते हैं इतनी मस्त लग रही है भुजिया से, ये भी डल चुकी है अभी रेडी। ओके, अब उसके ऊपर से प्याज डालेगी, प्याज डाल दे रहे हैं ना। ओके, अब ये ऊपर से स्पेशल मतलब कुछ आंटी के हाथ का स्पेशल प्याज डाला जा रहा है एकदम लाइव कट के। कोई भी चीज बासी यूज नहीं करते, मतलब तुरंत तुरंत यूज करते हैं इसको। वैसे कितने की रहती है ये एक प्लेट? 30 रुपये। ओके, 30 रुपये की एक रहती है। ये बनकर रेडी हो चुकी है। ओके, ये बनकर रेडी हो चुकी है गाइस, देख सकते हैं जो कि बहुत ही शानदार लग रही है। तो अंकल कब से बनाते आ रहे हैं आप लोग ये सब? ये बस अब 4 दिन हुए। ओके, 4 दिन हुए, 4-5 दिनों से स्टार्ट हुआ है। ओके, आपकी एज क्या है वैसे? 63। शानदार, अच्छा लगा आपसे मिलके हमको। आंटी 58। ओके, ये आंटी 58 एज के। तभी हम इसको टेस्ट करते हैं, और टेस्ट है कैसे आपको जरूर बताते हैं। देख सकते हैं फाइनली अपनी खस्ता चाट जो कि बनकर रेडी हो चुकी है, बहुत ही शानदार लग रही है। अभी हम इसको टेस्ट करते हैं, एकदम बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा है। खस्ता भी है जो कि एकदम फ्रेश है, और अगर आपको खाना है तो आपको करना पड़ेगा ये स्टॉल में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और जो कि राम मंदिर के जस्ट अपोजिट पे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे नेक्स्ट टाइम। बाय।